नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद भारत अमेरिका संबंधों पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के मेरे और भारत के अनुभव को देखते हुए मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संबंधों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से संभाला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सांसद के रूप में शपथ लेने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें संसद में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिली है। वह चीजों को अच्छी तरह से समझती है और जनता के मुद्दों को उठाती है, खासकर महिलाओं से संबंधित मुद्दों को। इससे हमारी पार्टी, जनता और खासकर देश की महिलाओं को फायदा होगा। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, संभल में आगजनी के पीछे पुलिस का हाथ है। मैं यह यूं नहीं कह रहा, मैं सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। संभल में शांतिपूर्ण माहौल था और सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर यहां रहते थे। दुर्भाग्य से उन्होंने कोर्ट के आदेश आने के एक घंटे के भीतर ही सर्वेक्षण करने की जल्दबाजी की। बाहर लोग सिर्फ यह जानना चाहते थे कि सर्वेक्षण क्यों हो रहा है। उन्हें मौखिक जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्हें लाठी और गोलियों के रूप में जवाब मिला। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। पिछले एक से डेढ़ साल से दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे हैं और हत्या और छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि दिल्ली दुनिया के सबसे असुरक्षित राजधानी है। चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की विपक्ष की मांग पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, बीजेपी खुद भी यह मांग करती है, यह सिर्फ हमारी मांग नहीं है। इस बार मांग इतनी ज्यादा है क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है वह अकल्पनीय था। सबूत मौजूद है, गलतियां पाई गई हैं। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, प्राथमिकता राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की होगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी डरी हुई क्यों है। क्या यह सरकार अडानी जी चला रहे हैं या सरकार उनसे डरी हुई है? कल भी सदन स्थगित हुआ था, जब इतना समय है तो चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार डरी हुई है और वह चर्चा नहीं चाहती। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह एक संवेदनशील मामला है। अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है तो हमें इस मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह जांच का विषय बन गया है, इसलिए जांच की जाएगी और तथ्य पेश किए जाएंगे। संभल की घटना पर कहा, कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, कोई सबूत मांगता है, पत्थरबाजी के दृश्य है, आप दृश्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास पर सबरीमाला कर्मा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसजीआर कुमार ने कहा, काफी समय से बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे स्पष्ट है कि उनका इरादा पीएम शेख हसीना को हटाने का नहीं बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ था। दिल्ली के प्रशांत विहार में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। बंसी स्वीट्स में धमाका हुआ। बता दें, सुबह करीब 11:30 बजे की घटना है। धमाके में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। प्रशांत विहार इलाके में आज हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर मौजूद है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अधिक खबरों के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी।